रिच रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं हरी धनिया और काजू की चटनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, और ये चटनी हम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। और चटनी के लिए मैंने लिया है लहसुन की 7 कलियाँ, इसके हम छिलके निकाल लिए हैं, और 2 हरी मिर्च का यूज़ किए हैं, 15 से 16 पीस इसमें काजू का यूज़ किए हैं, धनिया पत्ती इसको अच्छे से धो लिए हैं, साफ़ करके धोकर काट लिए हैं, और 1/3 कप इसमें दही का यूज़ किए हैं, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे और 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे। अब एक जार लेंगे, इसमें काजू धनिया पत्ती को डाल देंगे और इसकी चटनी हम तैयार करेंगे, और इसमें लहसुन और हरी मिर्च हम डाल देंगे। हरी मिर्च और नमक हम अपने स्वाद के अनुसार लेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च हम डाल दिए हैं, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसकी चटनी तैयार कर लेंगे। अब हम इसमें दही डाल देंगे, दही की जगह हम नींबू का जूस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसको कुछ सेकेंड के लिए हम चला लेंगे। ये चटनी बन करके तैयार हो गया है। धनिया और काजू की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, और कितना जल्दी बन गया, और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा बनाने से, और ये हर खाने का स्वाद को बढ़ा देगी अगर हम ये चटनी को बनाएंगे तो धनिया और काजू की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स कीजिए कि कैसी लगी, और शेयर कीजिए, और मेरे ऐसे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।